Hello everyone, my name is Disha Chaturvedi. Here I am going to start a new series on human resource management. I am an MBA and NET qualified in human resource management and labor welfare and over a 5 year of experience in teaching HRM. अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसकी डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको समझने के लिए हम इसे तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट इज डूइंग द थिंग्स effectively and efficiently with limited resources to obtain the desired goals of organization. Management क्या है? किसी भी काम को efficient या effective तरीके से करना। और effective तरीके से हम कब कर पाएंगे? जबकि जो हम resource use कर रहे हैं अपने objective को प्राप्त करने के लिए, उन resources को हम अच्छे से manage करें। तो हमें अब समझ में आया कि अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का इफेक्टिवली उपयोग करना, जिससे कि हम अपना डिजायर्ड आउटपुट पा सके, ही मैनेजमेंट है। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज आर द मीन्स विच आर यूज टू एकम्प्लिश सम टास्क और वर्क। रिसोर्सेज या संसाधन वो माध्यम होते हैं जिनके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग रिसोर्स की जरूरत होती है, पर कुछ कॉमन रिसोर्सेज हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ही चाहिए, जैसे कि मनी, मशीन, मटेरियल, मार्केट, मेथड और मैन या फिर ह्यूमन बीइंग। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़े स्तर पर अपना कार्य करते हैं, इसलिए हर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। मनी के लिए अकाउंटिंग या फाइनेंस डिपार्टमेंट, मशीन के लिए परचेज या ऑपरेशन डिपार्टमेंट, मटेरियल को मैनेज करने के लिए सप्लाई चेन डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट, मार्केट को मैनेज करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मेथड के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड फाइनली मैन यानी ह्यूमन बीइंग, जो कि सभी डिपार्टमेंट सभी सेक्शन की वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो स्वयं एक रिसोर्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो हमें अब इस बात समझ में आई कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स, द पर्सनल और वर्कफोर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द टास्क गिवन टू देम फॉर द पर्पज ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स या एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, वही ह्यूमन रिसोर्स है। तो अपने इस लेक्चर के इनिशियल पार्ट से हम समझ चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग एम्प्लॉयज या यू कैन से वर्कफोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसको कि मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकिंग द स्ट्रेटजीज इन अ मैनर सो दैट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्ट्रीमलाइंड विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड बोथ कैन नॉरिश एंड डेवलप बाय म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। यहाँ डेफिनेशन की शुरुआत में अदर रिसोर्सेज की तरह ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की बात कही गई है, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस को, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्रोडक्शन को। लेकिन जब एचआर मैनेजर इस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं या जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स एवं गोल का भी ध्यान रखा जाता है।
जो कि और किसी रिसोर्स में ऐसा नहीं होता उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि उनमें लाइफ नहीं है। जबकि ह्यूमन बीइंग्स में इमोशंस होते हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, उनके अंदर एक जीवन है। हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। इसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स पाई जाती है, यानी यहाँ मेल, फीमेल, यंग, ओल्डर, अलग अलग प्लेस से लोग जॉब करने आते हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट, सिचुएशन अलग अलग होते हैं। ये जो वर्कफोर्स है इज़ अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। इनकी हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन से इनकी परफॉर्मेंस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अतः इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए, इनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, इनके ऑब्जेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मैच करते हुए ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना, ऐसे फंक्शन परफॉर्म करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन और इसकी वर्कफोर्स अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए एक दूसरे की ग्रोथ में सहायता करें, एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाए, इसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। लास्टली हम एडविन फ्लिप्पो जी के द्वारा दी हुई एक डेफिनेशन को समझते हैं। HRM is planning, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are achieved. डेफिनेशन की शुरुआत में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की बात की है, जो कि मैनेजमेंट के फंक्शन है और किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए ये फंक्शन अप्लाई होते हैं। इसके मिडिल पार्ट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिव फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उनकी बात की गई है, जैसे कि प्रक्यूरमेंट, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना, इसमें एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन आता है। डेवलपमेंट, जिसमें ज़रूरत के अनुसार एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उनको अपडेट करना, उनको डेवलप करना। कंपनसेशन, यानी कि एम्प्लॉयज़ को उनके कार्य के बदले में भुगतान करना, उनको सैलरी प्रोवाइड कराना। इंटीग्रेशन, यानी एक करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, यानी कि एम्प्लॉयज़ के अंदर टीम अप्रोच को डेवलप करना। मेंटेनेंस, यानी कि उनकी हेल्थ, सेफ्टी और उनके वेलफेयर का ध्यान रखना। और लास्ट में सेपरेशन, यानी कि पृथकीकरण, अलग करना। अगर के किसी भी जो अनकैपेबल एम्प्लॉय है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को उस ऑर्गेनाइजेशन से अलग करना। तो यहाँ तक बात हुई मिडिल पोर्शन की। अब लास्ट में जो फ्लिप्पो जी ने बात करी है, देखिए वही बात आ गई जो मैंने भी समझाई है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसके द्वारा इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। फ्लिप्पो जी ने लास्ट में सोशल ऑब्जेक्टिव्स की भी बात की है, उसको भी ऐड किया है। तो यहाँ तक हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में समझा, इसकी डेफिनेशंस के बारे में समझा। आई होप मेरे इस लेक्चर ने आपकी काफ़ी मदद की होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिसके बाद हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। अपनी राय एवं अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्सेस में ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।